अंशे द्वारा बीजेपी नगर सेविका के खिलाफ साइन पुलिस स्टेशन में मोर्चा ले जाया गया। बीजेपी नगर सेविका द्वारा 1 मई के प्रोग्राम के समय छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अपमान किए जाने पर आज साइन कोलीवाड़ा मंचे के कुछ कार्यकर्ताओं ने नगर सेविका के खिलाफ साइन पुलिस स्टेशन में मोर्चा निकाला। मंचे कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि नगर सेविका के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें उनकी पद से हटाया जाए। इस मोर्चे में बड़े पैमाने में कार्यकर्ता जमा हुए। ये साइन की नगर सेविका जिसके खिलाफ आज हम पुलिस स्टेशन आए हैं, 1 मई को उनका प्रोग्राम था वहाँ पर, जहाँ पर शिवाजी महाराज का दिन माना जाता है, महाराष्ट्र डे माना जाता है। उस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं वो किस तरह से उस शिवाजी महाराज के पुतले को हाथ रख के खड़ी है, आराम फरमा रही है वहाँ पर। तो हमें ऐसे लगा कि ये देखने के बाद उनके ही पार्टी के लोग या पुलिस प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई करेगी, पर अभी तक वो हुआ नहीं, इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा और उनके खिलाफ हमें यहाँ केस दर्ज करना पड़ा, FIR। मगर यहाँ से हमें कोई ऐसे उनसे कोई रिपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम देखेंगे, हमें करना है। फिर हमने उनको कहा कि 295 के तहत ये उस पर केस हम ले सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें राज साहब का उदाहरण दिया कि उन्होंने शमुखानंद में जो बात बोली थी, हमने उस पर कहाँ कार्रवाई की, हमने उससे सब जानकारी ली। हमें ये कहना वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ये चीज़ जो उन्होंने की है ये संविधान में बैठता नहीं है। आज शिवाजी महाराज को हम अपना दैवत मानते हैं और अगर वो ये चीज़ करती है तो उसको उसकी वो जगह पर उसका इस्तीफा देना चाहिए और उसको वो जगह छोड़नी चाहिए, या तो उसकी पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि अगर उन्होंने ये गलती की है तो वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। हम आंदोलन लेंगे, हम देखेंगे कि वो उसको यहाँ आके हम सब लोगों को जहाँ उन्होंने ये गलती की है या तो वो माफ़ी मांगे या वो अपनी वो अहदा नहीं छोड़ती है तो हम उस पर आंदोलन करेंगे। हम अभी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमेशा बीजेपी सरकार लोगों को संविधान सिखाती है, तो मुझे लगता है पहले उनको अपने लोगों को ये संविधान सिखाना चाहिए कि जब वो एक पद पे बैठते तो उसको कैसे काम करना चाहिए। पहिला म्हणजे शिवाजी महाराज हे हिंदू धर्माचं आम्ही आराध्य दैवत मानतो आणि आम्ही ही आमचा धार्मिक अपमान आहे हे समजतो, कारण लहान मुलं तिथे बसलेली होती त्या प्रोग्राममध्ये आणि लहान मुलं बसलेली असताना सुद्धा जर लहान मुलांसमोर ती पुतळ्यावरती हात ठेवून खांद्यावर शिवाजी महाराजांच्या हात ठेवून जर फोटो काढते एका विशिष्ट पोजमध्ये तर हे शिवाजी महाराजांचा हा अपमान आहे आणि हा आमचा पूर्ण हिंदू धर्माचा अपमान आहे, तर त्याच्यावरती त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे। त्यांनी नुसती माफी मागून ह्याचं होणार नाही।